शाहरुख खान की सुप्रसिद्ध फिल्म स्वदेश की कहानी तो आप सब जानते ही होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको संक्षिप्त में बता दें कि इस फिल्म का नायक अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा में एक वैज्ञानिक होता है, और एक दिन उसका देश प्रेम जाग उठता है, जिसके बाद वह अपनी नौकरी छोड़कर भारत में अपने गांव वापस आ जाता है। खैर, ये तो हुई फिल्म की कहानी की बात, परंतु आज हम एक ऐसे भारतीय की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने असल में अमेरिका से वापस भारत आकर एक गांव में न केवल अपनी कंपनी का हेड ऑफिस बनाया, अपितु आज इस कंपनी का रेवेन्यू $1 बिलियन पार कर चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अनिमेश पांडे आपको बताऊंगा कि कैसे जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक लेसन है और उभरते स्टार्टअप्स को इनसे प्रेरणा लेने की काफी आवश्यकता है। हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पूर्व यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं एवं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो करें। तो अविलंब आरंभ करते हैं। जोहो ने यह उपलब्धि यूं ही नहीं हासिल की है। असल में जोहो कॉरपोरेशन के फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने अमेरिका की क्वालकॉम कंपनी में अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर एडवेंट नेट नाम की एक छोटी सी कंपनी का प्रारंभ किया, जो कि आज जोहो कॉरपोरेशन के नाम से जानी जाती है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर किसी बड़े टावर या धाकड़ से दिखने वाले शहर की बिल्डिंग में नहीं, बल्कि तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में है, परंतु इस कंपनी का रेवेन्यू अब $1 बिलियन पार कर चुकी है। मिर्जापुर का त्रिपाठी ब्राह्मण परिवार ऐसे चूस चूस के मटन क्यों खाता है? क्या रामाधीर सिंह सच में बदमाश था, या वासेपुर की लड़ाई को बॉलीवुडिया रंग दिया गया है? ऐसे कई प्रश्न है, परंतु उत्तर केवल एक ही जगह मिलेगा, TFI के एंटरटेनमेंट चैनल पर। ऊपर दिए लिंक को दबाकर आप सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाइए, इनका घंटा हम बजाएंगे। ज्ञात हो कि जोहो कॉरपोरेशन के फाउंडर श्रीधर वेम्बू तमिलनाडु के तंजावूर जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। IIT मद्रास से बीटेक की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात ये उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अमेरिका चले गए थे, जहां उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से PhD प्राप्त करने के पश्चात क्वालकॉम कंपनी में बतौर वायरलेस सिस्टम इंजीनियर अपनी यात्रा प्रारंभ की। नौकरी के 2 वर्ष पश्चात ही वर्ष 1996 में श्रीधर ने अपने भाइयों और 3 दोस्तों के साथ मिलकर एडवेंट नेट नामक एक कंपनी की शुरुआत की थी। इसके बाद वर्ष 2009 में एडवेंट नेट का नाम बदलकर जोहो कॉरपोरेशन रख दिया गया। श्रीधर वेम्बू की ये कंपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन मुहैया कराती है, जिसके आज करोड़ों की संख्या में यूजर्स हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑफिशियल काम के लिए TFI में भी हम लोग जोहो का ही प्रयोग करते हैं। जोहो कॉरपोरेशन का एप्लीकेशन असल में जोहो क्लिक के नाम से है, जो कि किसी भी कंपनी के अंदर आपस में संपर्क साधने के लिए बनाया गया है। ये बाकी किसी भी मेल या ऐप से चलाने में कहीं ज्यादा सुगम और बेहतर है। इसके अलावा अगर एक बार जोहो ID क्रिएट हो जाती है तो आप जोहो से जुड़े किसी भी एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हैं। ये ठीक गूगल अकाउंट की भांति है। जैसे एक ईमेल ID बनने के बाद हम गूगल से जुड़े सारे एप्लीकेशन में उसका उपयोग कर सकते हैं, इसी प्रकार जोहो में भी ये संभव है। जोहो मेल अपने आप में बेहतरीन है। वहीं जोहो क्लिक में केवल चैट की सुविधा ही नहीं, अपितु बेहतर क्वालिटी में ऑडियो कॉल वीडियो कॉल की सुविधा भी उपलब्ध है। कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए तो छोटी कंपनियों के लिए जोहो का नेटवर्क काफी बेहतरीन है। इसमें डेटा लीक की भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इसमें हर एक चीज को ट्रैक किया जा सकता है। श्रीधर वेम्बू ने छोटी कंपनियों को ध्यान में रख कर ही इसकी शुरुआत की थी, और कम पैसे में इतना बेहतरीन फंक्शन दिया कि आज इसके सितारे बुलंदी पर हैं। ज्ञात हो कि भारत के कई स्टार्टअप्स पिछले कुछ समय में धड़ाम हो गए हैं, जिनमें पेटीएम, जोमैटो, ग्रोफर्स इत्यादि शामिल हैं। इन स्टार्टअप्स को जोहो से काफी कुछ सीखने की आवश्यकता है। कैसे ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करें, उनका विश्वास जीते, उन्हें वैसी सुविधा मुहैया कराएं कि वे विकल्प की तलाश में ही ना जुटे, सिक्योरिटी फीचर्स ऐसे प्रदान करें कि किसी को कोई चिंता ही ना हो। जोहो में ये सारी क्वालिटीज हैं, और अगर भारतीय स्टार्टअप्स भी इससे सीख लेते हुए आगे बढ़ते हैं तो पेटीएम, जोमैटो जैसी स्थिति दोबारा फिर नहीं उत्पन्न होंगी।